आप मुझे कि आपको ऐश फियोना के बच्चे पसंद है। ग्रे भी उड़ा। एक बहुत जरूरी बात बतानी थी और वो बहुत जरूरी बात आपने जरूर सुननी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू नदर व्लॉग, वेलकम बैक टू नदर डे। तो दोस्तों मैं छत पे हूँ। मैं छत पे इसलिए आया था कि घरों में हवा धूप नहीं थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हवा चल रही है लेकिन धूप निकल आई है। और उड़ो जाओ, उड़ो दूर जाओ। हाँ 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 सही है सही है, उड़ो तुम्हें पता लगेगा। बैठ ही गए फिर भी। चलो दोस्तों हम तो अपना काम करें ना। जो बड़ी तेज हवा चल रही है, मुर्गो वगैरह वो पानी डालते, गर्मी भी ज्यादा हो गई है धूप निकलने से। चलो भाई सीट तो ऊपर हो गई। और भाई फिंचेस वगैरह का क्या हाल है? सारी लाइन में वैसे रोमांच अंदाजन कितनी हो गई होंगी हमारे पास फिंचेस। ये देख यहाँ पे भी नेस्ट बना रही है इन्होंने। 20-25 इतनी तो होनी चाहिए दोस्तों। वैसे ये इनका नया घर मटकी में इन्होंने घर बनाया है और ये नहीं पता किसने बनाया है, लेकिन सही रोहन प्यारी जगह पे बनाया है। बाकी सारों के पास ऐसी जगह है फजूल सी। रोहन क्या कहते हैं कबूतर खोले हवा में? बच्चे सिर्फ बच्चे हैं, जोड़े में कोई नहीं खोलने वाला। वो जोड़े खुलते हैं फिर गए वापस दोस्तों, बड़ी मुश्किल से उतरेंगे। बोले कबूतर उड़ भी रहा है, ये पता नहीं किसका पिजन है। बच्चे खोलते हैं यहाँ पे, रुकते हैं एक सेकंड। ये एक ज्यादा ऊंचा जाने वाला है ना, बस ठीक है इसको निकालते हैं, बाकियों को खोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बच्चों को भी प्रैक्टिस होना है, इनको तो बड़ों को तो प्रैक्टिस है हवा में उड़ने की। दोस्तों पिजन तो आते रहेंगे। अभी हम आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी थी और वो बहुत जरूरी बात आपने जरूर सुननी है और उसको बिल्कुल गौर से सुनना है ताकि आपको सही समझ आए। तो अभी पिजन्स को निकालते हैं, तो फिर आपको मैं वो इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा। पहले पिजन निकल जाए। रोने तो उड़ गए, आज तो बच्चे ही उड़ गए। भाई साहब ये क्या बात है, मैं तो सब बच्चे तो उड़ते ही नहीं थे हमारे पास। यार इसको पागल है यार, वो खुद उड़े है, उसको दूसरे को फजूल में उड़ाया तुमने। आगे 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 और बैठो बैठो बैठो। ये देखे यार, ओए देख दो बच्चे ये रहे, एक काले का बच्चा है और एक वो ग्रीन वाला बच्चा है। दोस्तों उतर दे तो मैं आपको बताता हूँ। अभी बड़ा बुरा सीन हुआ, वो बच्चा देखे वहाँ बैठ रहा है यार, वो बैठ गया। बैठा नहीं, आ जाएगा। आ गए, शुक्र है। ये आ गए फुल तेज हवा में उड़े, आ गए पहली दफा उड़े। ओए आया सबसे घटिया वाला कबूतर, आ रहा, आ गया। ग्रे भी उड़ा। थोड़ा करके आएगा लेकिन आ जाएगा इंशाल्लाह। वो उतर क्या होगा, पता नहीं कहाँ उतर है दोस्तों। आज मैडम ने अंडा दिया, मैडम ने दोस्तों इसके 4 अंडे हो गए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखे 4 अंडे हो गए, 1, 2, 3, 4, ये 4 के 4 मैडम के 4 के 4 नहीं है, अपना ही है। वो ग्रे के साथ जो बैठा है उसका कलर ग्रीन लगा हुआ है, वो अपना ही है। दोस्तों एक बात बताएं आप मुझे कि आपको ऐश फियोना के बच्चे पसंद है? फियोना के बच्चे आपको पसंद है? आप बताएं कमेंट में।
करें बताएं दोस्तों। देखिए यहाँ पे कितना साफ आसमान है, वहाँ पे देखे काले सियाह बादल हो रहे हैं और ये हवा से बच्चे हिल हिल के ना ये देखे उड़े हैं। कहाँ गया? अभी तो ऊपर उड़ा था। कहाँ गया? वो ऊपर उड़ा है, वो ऊपर उड़ा है। अरे 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 वो तीन कबूतरों के पास जाने की कर रहा है। वो ग्रे वाले का बच्चा रोहन दोस्तों, वो एक वो ऊपर उड़ा कहाँ गया यार? बड़ा ऊंचा उड़ा है वो उसमें। हाँ वो सफेद बादलों में ये आ रहा, आ रहा, आ रहा, यही आ रहा है। एक ये रहा और एक ये बैठा हुआ है रोहन। ये लोग तो दोस्तों उतरते रहेंगे, अभी चलते हैं खेत में और आपको मैंने बहुत जरूरी बात बतानी है। तो आइए चलते हैं खेत में, चलते रोहन आ जा बैठो के पास, चलते हैं आ जा। अच्छा उसके पास जाल बना हुआ, मैंने देख लिया। बस वहाँ से उनसे ले आएंगे, बस उतर जाएगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं दोस्तों, आए आप भी चले, चलते बैलों को देखते हैं आके, उनके अगर कुछ खाने के लिए तो वो भी लेके चलते हैं। हाँ हाँ दो है, एक दोस्तों वो है, एक वो है, एक लेकिन दूर से डरेंगे इतना चपड़ चपड़ खा लिया। अच्छे साइड हो जा, भागना पड़ेगा एकदम। मैं बता रही के घर घूमूंगा, घर है इनका घर है, निकलो भाई मैं आ पास से। चलो चलो बच्चे आ रही है, निकलो भाई, निकलो निकलो। और वाह मेरा बकरा आई 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 मम्मी जल्ले 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 नहीं अब जा भाई। हाँ खा रही है, खा रही है, खा गई। दोस्तों हम बैले को खाना खिला के इधर आए और वो यहाँ पे खोल लिया है, खतरनाक के अंदर बाहर भी नहीं आ रही। अब ये देखे निकाल ही नहीं रही, बच्चे के पास चली गई है। उसको बांध दो, बच्चा नहीं ना लाना भाई। वो देखो आई नहीं रही, वो देख फिर अंदर चली गई है। ये देख पौधा तोड़ दिया है। चल आ गई, आ गई उन्होंने। ना आगे जाके बनाना नहीं हुई अभी, वो कुछ खाने के लिए ना वो मारेगी दोस्तों। देखे इसके पास आ गई थी भाग के, इसको बाहर नहीं निकालते। अब निकालते कब? ये बाबा अम्मी के पास जाती है दूध निकाल, और फूटी निकल गई। तो दोस्तों अभी मैं आपको वो मेन बात बता देता हूँ। तो दोस्तों आपने अगर कमेंट में लिखा हो आपको ऐश्वर्या के बच्चे, फियोना के बच्चे पसंद है आपको, तो आप ये वीडियो आप इस वीडियो के नीचे टैग करें शहर में देहात, ताकि वो हमारे शहर में देहात त्रावेन सिद्धैन भाई देखे हमारी वीडियो। और हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें उनसे एक फियोना का बेबी चाहिए, बेशक वो हमसे पैसे ले लें या वो हमें गिफ्ट दे, वो उनकी मर्जी है। और बाजार में भी दोस्तों वैसे काफी बेबी मिलते हैं हस्की के, ऐश भी होना जैसे ब्राउन ग्रे। तो अभी सिर्फ फियोना का बेबी चाहिए, अगर चाहिए तो वो क्या हुआ है? तो
तो फियोना का बेबी हमें सिर्फ चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो वहाँ तक पहुँचा दे तो रॉबिन सिद्धैन भाई तक उनकी वीडियो के नीचे भी कमेंट करें के हमारे चैनल का के उन लोगों को वो दे दे गिफ्ट दे दे या वो पैसों को दे दे कुछ तो करें ना दोस्तों। आप इंतजाम करें और हमारे वीडियो के नीचे भी कमेंट वो टैग करें शहर में याद का ताकि ना ये वीडियो उन तक जाए और फिर वो हमें रिप्लाई दे के हमें क्या करना है। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।